अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्रैंक की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे स्टॉक ग्रुप्स के साथ स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट कैसे देखते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट किस तरह से देखी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप स्टॉक ग्रुप्स के साथ स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वो कैसे देख सकते हैं। यदि आप स्टॉक आइटम्स के साथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो इसके पहले वाली और ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, इन्हें जरूर देखें। ये वीडियोस आपको सफल अकाउंटेंट या सफल व्यवसायी बनाने में बहुत मदद करेंगी। इनकी सहायता से आप अपने स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी रख पाएंगे। आपको ध्यान होगा कि हमने स्टॉक आइटम्स बनाने के पहले स्टॉक ग्रुप्स बनाए थे और फिर उन स्टॉक ग्रुप्स के अंतर्गत स्टॉक आइटम्स बनाए थे। इसी के साथ हमने आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएशन वाली वीडियो में ये भी बताया था कि स्टॉक ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको जिस रिपोर्ट के बारे में समझा रहे हैं उससे स्टॉक ग्रुप्स की उपयोगिता भी आपको स्पष्ट हो जाएगी। आज हम जो रिपोर्ट समझाने जा रहे हैं ये हमें टैली में तीन जगह मिलती है। पहला तो गेटवे ऑफ टैली पर रिपोर्ट के अंतर्गत आप स्टॉक समरी देख सकते हैं। दूसरा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए डी प्रेस करें। अब इन्वेंटरी बुक्स के लिए आई प्रेस करें। ये देखिए, यहाँ पर ये स्टॉक ग्रुप समरी के नाम से है। और तीसरा, गो टू के लिए ऑल्टर और जी प्रेस करें। देखिए, यहाँ पर भी स्टॉक समरी दिखाई पड़ रही है। हम स्टॉक समरी के लिए एस प्रेस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर स्टॉक समरी आ गई है। इसमें राइट साइड में सबसे ऊपर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है और उसके नीचे पीरियड दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद पर्टिकुलर में हमारी कंपनी में जितने भी प्राइमरी यानी मुख्य स्टॉक ग्रुप्स बने हैं उन सभी के नाम दिखाई पड़ रहे हैं और लेफ्ट साइड में उन सभी स्टॉक ग्रुप्स या उनके सब ग्रुप्स में जितने भी स्टॉक आइटम्स बने हुए हैं उनके टोटल क्लोजिंग बैलेंस की क्वांटिटी, रेट और वैल्यू दिखाई पड़ रही है। इस रिपोर्ट से हमें आसानी से ये पता चल रहा है कि अभी हमारे पास किस तरह के कितने प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अभी हमारे पास कुल 5 ACs, 5 लैपटॉप्स, 46 TVs और 3 वॉशिंग मशीन्स हैं। अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि इन ग्रुप्स के अंतर्गत कौन कौन से सब ग्रुप्स हैं या ये भी कह सकते हैं कि कौन सी कंपनी के कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ एरो के निशान पर क्लिक करें। अब डिटेल पर क्लिक करें या फिर Alter और F5 प्रेस करें। ये देखिए, सभी प्रोडक्ट्स की ग्रुप और सब ग्रुप की समरी आ रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कंपनी के कितने कितने टीवी हैं और सभी मिलाकर कुल कितने टीवी हैं, ये सब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यदि आप सभी स्टॉक ग्रुप्स में बने हुए स्टॉक आइटम्स एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ स्टॉक आइटम वाइज पर क्लिक करें या F5 प्रेस करें। देखिए, ऐसा करते ही सभी स्टॉक आइटम्स के नाम और उनके क्लोजिंग बैलेंस दिखाई पड़ रहे हैं। हम वापस F5 प्रेस करके पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं। अब यदि आप सभी मेन ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स को डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए F12 प्रेस करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। हम F12 प्रेस कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में अनेक ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और उसके बाद अच्छे से सीखने समझने के लिए इन ऑप्शंस में से एक को यस या नो करके और जिन ऑप्शंस में सब ऑप्शंस हैं उनमें से भी एक को सिलेक्ट करके ट्राई करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ये पता चलेगा कि कौन से ऑप्शन का रिपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। चलिए, इनमें से अभी के लिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शंस बता देते हैं। यदि हम शो ओपनिंग बैलेंस को यस कर देते हैं तो हमें स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस एक नए कॉलम में दिखाई देगा।
यदि हम शो गुड्स इनवर्ट्स को यस कर देते हैं तो जितना भी माल आया होगा वो इनवर्ट्स नाम के नए कॉलम में दिखाई देगा। यदि शो गुड्स आउटवर्ड्स को यस कर देते हैं तो जितना भी माल गया होगा वो आउटवर्ड्स के नाम से एक नए कॉलम में दिखाई देगा। हम इन तीनों को यस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शो स्टॉक आइटम्स विद जीरो क्वांटिटी और बैलेंस, इस ऑप्शन को हम यस ही रहने देंगे। इससे ये होगा कि ऐसे सभी स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट भी दिखाई देगी जिनकी क्वांटिटी अभी जीरो है, यानी वो स्टॉक आइटम हमारे स्टॉक में नहीं होंगे तो भी वो रिपोर्ट में दिखाई देंगे। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप टाइप ऑफ ग्रुपिंग देख रहे हैं। इस ऑप्शन में दो सब ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है स्टॉक ग्रुप वाइज और दूसरा है स्टॉक आइटम वाइज। यदि स्टॉक को ग्रुप वाइज देखना है तो पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, और यदि स्टॉक को आइटम्स के अनुसार देखना है तो दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। हम स्टॉक ग्रुप वाइज ऑप्शन को ही सिलेक्टेड रहने दे रहे हैं। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। हम रिपोर्ट को विस्तृत रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर डिटेल ही रहने देंगे। इसके बाद है एक्सपैंड ऑल लेवल्स इन डिटेल्ड फॉर्मेट। इसका मतलब है कि सभी लेवल्स को डिटेल्ड फॉर्मेट में एक्सपैंड कर दें, यानी सभी स्तर को विस्तृत रूप में दिखाएं। हम इसे यस कर रहे हैं। अभी हमने जिन भी ऑप्शंस में बदलाव किए हैं उन्हें सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे। देखिए सभी मेन ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स के साथ उनके ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स और क्लोजिंग बैलेंस एक ही स्थान पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब यदि आप यहाँ दिखाई पड़ रहे स्टॉक आइटम्स में से किसी एक स्टॉक आइटम की पूरी डिटेल्स देखना चाहते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट में दिखाया था, तो उस स्टॉक के नाम पर जाकर एंटर प्रेस करें। देखिए स्टॉक आइटम की मंथली रिपोर्ट आ रही है और यहाँ आप स्टॉक आइटम का नाम भी देख सकते हैं। यदि आप क्वार्टरली या डेली रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F6 के सामने दिखाई दे रहे एरो के निशान पर क्लिक करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार क्वार्टरली या डेली सिलेक्ट करें। यदि आप यहीं से किसी और स्टॉक आइटम की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करें, और जिस भी स्टॉक आइटम की रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। ये देखिए दूसरे स्टॉक आइटम की रिपोर्ट आ गई है। इसमें नीचे की ओर महीनों के हिसाब से कॉलम्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें लाल कलर वाले परचेस के लिए और नीले कलर वाले सेल्स के लिए हैं। इन्हें देखकर आप किसी भी महीने में परचेस और सेल का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब ये कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं इस बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आप मई माह के लिए जो दो कॉलम्स देख रहे हैं उनमें से लाल वाला बड़ा और नीला वाला लाल वाले से छोटा है। इसका मतलब है कि मई के महीने में परचेस ज्यादा हुई है और सेल कम। देखिए जून के दोनों कॉलम्स बराबर हैं, मतलब जून में परचेज और सेल दोनों बराबर हुई हैं। इसी तरह से आप सभी माह का कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि आप किसी माह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जैसे कि हम मई माह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो उस पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए मई महीने की रिपोर्ट आ गई है। यहाँ यदि आप देखना चाहते हैं कि हमें किसी सेल बिल में बेचे गए आइटम्स पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ शो प्रॉफिट, जिसकी शॉर्टकट F7 है, प्रेस करें। देखिए सेल बिल्स के आगे जो माल बेचा गया है उसका लागत मूल्य, उस माल पर जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो, और उसका प्रतिशत दिखाई पड़ रहा है। आइए अब आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए D प्रेस करें। अब इन्वेंटरी बुक्स के लिए I प्रेस करें और स्टॉक ग्रुप समरी के लिए S प्रेस करें। यदि आप सभी प्राइमरी ग्रुप्स की स्टॉक समरी देखना चाहते हैं तो प्राइमरी सिलेक्ट करें, और यदि किसी एक ग्रुप की स्टॉक समरी देखना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करें। हम TV सिलेक्ट कर रहे हैं।
अब ऑल्टर और F5 प्रेस करें। देखिए राइट साइड में ऊपर हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए ग्रुप का नाम आ रहा है और पर्टिकुलर में सभी सब ग्रुप्स के नाम और उनके अंतर्गत बने स्टॉक आइटम्स के नाम और उनका क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ भी F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी टीवीज की बहुत ही स्पष्ट रिपोर्ट दिखाई पड़ रही है। अब जो अगला ऑप्शन हम समझाने जा रहे हैं, उसकी सहायता से आप किसी भी दो या दो से अधिक स्टॉक आइटम्स का किसी भी निश्चित अवधि का कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको वो आइटम सिलेक्ट करना होगा जिससे आप दूसरे आइटम का कंपैरिजन करना चाहते हैं। हम ओनिडा टीवी 20 इंचेस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए ओनिडा टीवी 20 इंचेस की रिपोर्ट आ रही है। अब न्यू कॉलम के लिए ऑल्टर और सी पर प्रेस करेंगे। यदि आप फ्रॉम और टू को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ये शुरुआत से लेकर जहां तक आपने काम किया होगा वहां तक की रिपोर्ट आएगी, और यदि आप कोई निश्चित अवधि चाहते हैं तो वो फ्रॉम और टू में टाइप करें। हम 1 मई से 31 अगस्त टाइप कर रहे हैं। यहाँ हम नेम ऑफ आइटम में ओनिडा टीवी 20 इंचेस ही रहने दे रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पहली रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट आ रही है जिसमें कंपनी के शुरुआत से आखिरी ट्रांजैक्शन की तारीख तक की रिपोर्ट है। हम कीबोर्ड के राइट एरो को प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए दूसरी रिपोर्ट उस पीरियड की है जो हमने सिलेक्ट किया था, और ये दोनों रिपोर्ट ओनिडा टीवी 20 इंचेस की है। अब हमें ऑल्टर और सी प्रेस करके दूसरा आइटम सिलेक्ट करना होगा। यहाँ हम फिर से तारीख 1 मई से 31 अगस्त टाइप कर रहे हैं। और आइटम में सोनी टीवी 20 इंचेस ले रहे हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारे पास एक रिपोर्ट और आ गई है जो कि हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए पीरियड की सोनी टीवी 20 इंचेस की है। अब हम कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट एरो की सहायता से एक दूसरे आइटम की खरीदी बिक्री का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि आप किसी रिपोर्ट को हटाना चाहते हैं तो उस पर जाकर ऑल्टर और डी प्रेस करें। मान लीजिए यहाँ से हम बाय डिफॉल्ट वाली रिपोर्ट हटाना चाहते हैं तो उस पर जाकर ऑल्टर और डी प्रेस करेंगे। ये देखिए कॉलम डिलीट हो गया है। अब यदि आप इस कंपैरिजन में एक आइटम और लेना चाहते हैं तो ऑल्टर और सी प्रेस करें। अब पहले की ही तरह एक नया आइटम सिलेक्ट करें। हम LG TV 20 इंचेस सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए अब हमारे पास कंपैरिजन के लिए 3 आइटम्स हैं। यदि आप किसी कॉलम में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उस पर जाकर ऑल्टर और ए प्रेस करें। हम सोनी टीवी 20 इंचेस पर जाकर ऑल्टर और ए प्रेस कर रहे हैं, और यहाँ सोनी टीवी 20 इंचेस के स्थान पर गोदरेज जैसी 1 टन सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए सोनी टीवी 20 इंचेस के स्थान पर गोदरेज एसी 1 टन की रिपोर्ट आ गई है। अब हम फिर से पहले वाली स्थिति में चलते हैं। अब समझते हैं ऑटो कॉलम ऑप्शन को। उसके लिए ऑल्टर और एन प्रेस करें। यहाँ ऑटो कॉलम में कॉलम डिटेल्स में से अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी आप चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। हम समझने के लिए मंथली सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ सभी स्टॉक आइटम्स की 12 माह की मंथली समरी आ रही है। इन्हें आप कीबोर्ड पर राइट एरो की या लेफ्ट एरो की सहायता से देख सकते हैं और आपस में सभी माह का एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं।
इस वीडियो में हमने आपको स्टॉक ग्रुप्स के साथ स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट देखना बताया। इसके बाद वाली वीडियो में आपने अभी तक टेलीप्राइम में जो भी सीखा है हम उसका एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट के साथ ही उस वीडियो में आपको कई नई जानकारियां भी देंगे।